resorted on 2nd October 1947. Gordo. We're immensely delighted, actually honored to have with us. It's etched deep in our memories, in our popular consciousness, and recorded indelibly that left behind searing booms for many years to come, people of Jammu and Kashmir. So let's first of all put our hands together for the fortitude and resilience of the people of Jammu and Kashmir. Please put your hands together for them. And so on. As Dr. Manvi said, Dean, National Museum Institute. And thank you. Advisor to the Honorable Lieutenant Governor, Shri Gosir Ahmed Khan, to say a few words. Shri Gosir Ahmed Khan. इसी कॉन्टेक्स्ट में एक शेर याद आता है जिसका ताल्लुक कश्मीर से ही है और कश्मीर का जो बहुत बड़ा आइकॉन है, बड़ा इंपॉर्टेंट आइकॉन है, चिनार हमजा शख्स से कि जिसका नाम है मकबूल शेरवानी, कश्मीर की मिट्टी में वो जौहर है कि ये किसी भी ऐसी ताकत का मुकाबला करने को तैयार रहती है हर वक्त हर घड़ी। हम कई सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम अपनी खुशियों को डेवलपमेंट की ऑप्शन। चीफ सेक्रेटरी साहब, एडवाइजर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड माय कॉलीग मानवी ऑन द डायस, the experts who have come to deliberate over the next 2 days on this momentous event in our history, and the people who are participating in this 2-day symposium, and it also goes out to the people who are participating through the webinar. Why are we organizing this event along with an exhibition here in Srinagar today? Ladies and gentlemen, the whole historiography and the narrative which has got built up for the last over 70 years of our independence is based on some preconceived notion, and that is जो हमारे देश के दो टुकड़े हुए वो इसलिए हुए क्योंकि जिन्ना साहब की जो टू नेशन थियोरी थी उसको अंजाम दिया गया। अंजाम किसने दिया? अंजाम दिया जो उस समय हमें रूल कर रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो देयर आफ्टर we have actually been only talking about why the subcontinent of India got divided into two parts, but then it got divided into three parts. Was it on account of the two nation theory when Bangladesh came into being? The moment you start actually looking into why
this historiography is developed, you will realize, just to give you a few examples, ladies and gentlemen, जो पाकिस्तान बना उसमें बलूचिस्तान जो है वो करंट पाकिस्तान का 40% हिस्सा है और उसमें कलात 80% का हिस्सा है। 15 अगस्त 1947 को कलात जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में खड़ा हुआ। जामा मस्जिद कलात में खान साहब के नाम से, खान ऑफ कलात के नाम से खुतबा पढ़ा गया एंड ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। उसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, खैबर पख्तूनख्वा, वहां 15 अगस्त को डॉक्टर खान साहब की गवर्नमेंट थी जो कि एक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। पंजाब में मिडल ऑफ मार्च 1947 तक एक यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी जिसका कि पार्टीशन ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। उसी तरीके से बंगाल के बारे में एक यूनाइटेड बंगाल सोचा जा रहा था। हुसैन सोहरावर्दी जो थे वो उसके पक्ष में थे और सिंध किस तरफ जाएगा ये पता नहीं था। तो हम किस पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं? क्यों हम ये बात करते हैं कि कम्युनलिज्म की वजह से पाकिस्तान क्रिएट हो गया? नो, द रीजंस आर फार डीपर। द रीजंस वर कंप्लीटली स्ट्रेटेजिक। द पीपल हु रूल्ड अस वांटेड अस डिवाइडेड एंड दे डिड दैट। कश्मीर को ही ले लीजिए, 1935 में 1/3 ऑफ कश्मीर जो गिलगित एजेंसी का हिस्सा है उसको ब्रिटिशर्स ने कश्मीर दरबार से निकाल दिया और कहा कि साहब जो है वो रशिया की वजह से हम इसको निकाल रहे हैं, वहां से जो प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से हम इसे खुद देखना चाहते हैं, और इसको वापस किया कश्मीर दरबार को 1 अगस्त 1947 को। और उसके तुरंत बाद जब ये 22 अक्टूबर को प्रॉब्लम शुरू हुई हमारी कश्मीर में, जब पाकिस्तानी मिलिशिया ने, स्टेट बैक मिलिशिया ने जब ऑपरेशन गुलमर्ग चालू किया, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद वो वहां पे एक ब्रिटिशर मेजर जो है जो गिलगित स्काउट्स को देखता था उसने जो है वो पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया और ब्रिगेडियर धनसारा सिंह जो गवर्नर अपॉइंट हुए थे उनको कैद कर लिया गया, काफी लोग मारे गए। मेजर ब्राउन जो हैं, जो ब्रिटिशर थे, वो पाकिस्तान में 1958 या 59 तक रहे और उनको जो है पाकिस्तान ने काफी अवार्ड्स दिए, निशाने इम्तियाज दिया। इवन ब्रिटिशर्स हैव अवार्डेड दैट आर्मी ऑफिसर, but they don't mention why he was awarded, what he was awarded for. जहां तक 22 अक्टूबर का सवाल है, 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ? जिन्ना साहब ने यह सोचा कि साहब कश्मीर वैली जो है वो ओवरवेलमिंगली मुस्लिम है तो वो हमारे साथ आ ही जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। जब ऐसा हुआ नहीं तब उन्होंने बाकायदा प्लानिंग शुरू की, जैसे बलूचिस्तान में अप्रैल 1948 में वो घुसकर उन्होंने पूरे कलत को ले लिया था, उसी तरीके से उन्होंने यहां भी यही स्ट्रैटेजी बनाई कि यहां भी हम इस जगह को जो है वो अटैक करके इन्वेड करके ले लेंगे। और मुजफ्फराबाद में जो हुआ, उसके बाद उरी में जो हुआ, उसके बाद बारामूला में जो हुआ, ये कुछ लोगों को तो पता है लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। अक्रॉस रिलीजन लोग मारे गए, देयर वाज रेप, प्लंडर। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे एक अली बेग कैंप हुआ करता था, उस अली बेग कैंप में हजारों की तादाद में यहां से औरतें ले जाई गई, और ये नहीं कि फिर वहां से औरतें वापस आ गईं, जब वहां उस कैंप में
औरतों का नंबर कम हुआ, वो औरतें यहां वहां यहां वापस आई नहीं, वो कहीं और चली गई, उनको बेच दिया गया, क्या हुआ उनके साथ कुछ पता नहीं। तो ये सब स्टोरीज, ये सब जो नैरेटिव है, ये लोगों के सामने आना चाहिए। और इसीलिए ये आज के जो सिंपोजियम है 2 दिन का, ये रखा गया है सो दैट द नैरेटिव गोज आउट टू अदर प्लेसेस इन इंडिया, टू प्लेसेस विद इन कश्मीर एंड टू प्लेसेस ओवरसीज। हमारा यहाँ एक एग्जीबिशन जो है वो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया जाएगा, उसमें काफी फुटेज है हमारे पास, ओरिजिनल फुटेज है, जो लोग उस समय पर्सनली अफेक्टेड हुए थे। इनफैक्ट यहाँ 2-3 लोग हैं जो उस फैमिली को भी बिलोंग करते हैं, एक तो मुनीर शेवानी साहब हैं, एक निसार अहमद खान साहब हैं और एक मुदासर चौधरी साहब हैं। ये तीनों आज आए हुए हैं यहाँ हमारे बीच बैठे हुए हैं, और इनकी फैमिली जो है ये पर्सनली उन दिनों में तबाह हो गई थी। तो मैं ये भी चाहते हैं हम लोग कि हम लोग देखें, उसकी सच्चाई को जानें, उसकी सच्चाई को पहचानें और इस हिस्टोरिकल नैरेटिव को जो पिछले 70 साल से चला हुआ है, इसको देख के खुद तय करें कि इसको चेंज करना है कि नहीं करना है। धन्यवाद।